आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। मैं सोमा चटर्जी, मैं अपने कुकिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कहिए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप लोग सब अच्छे ही होंगे, कुशल पूर्वक ही होंगे। गर्मी का सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का केयर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको आज एक नई रेसिपी शेयर करके दिखाने जा रही हूँ, जो है मैं बना रही हूँ तीन तरह की, एक राजमा मटर सूखी मटर और काबली छोले की एक करी बनाऊंगी, उसकी एक सब्जी बनाऊंगी। तो आइए मैं उसकी एक इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गाइस देखिए, ये 3 से 4 टाइप का ये मतलब मटर है, ये देख मटर नहीं मतलब मटर है, राजमा है और सोयाबीन है और काबली छोले हैं। 4 टाइप की मैं ये आज घूगनी इसका मैं एक करी भेज करी बनाऊंगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स है, मैंने इसको अच्छी से धो के रखा है और इसमें मैंने 2 आलू बारीक काट के चॉप करके रखी हुई हैं। ये है तेज पत्ता, गरम मसाला और एक सूखी मिर्च है और चिली है और ये है करी पत्ता। हम लोग के यहाँ पे करी पत्ता मिलता नहीं है, इसीलिए मैं जहाँ पे कहीं जाती हूँ मिलता है तो मैं तोड़ के ले आती हूँ। ये सूखी हुई है करी पत्ता। ये है चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस है ये, और ये सेजवान सॉस है और 1 कैप्सिकम मैंने बारीक चॉप करके रखी है, 3 टमाटर बारीक चॉप करके रखी है, 1 कप दही और ये है, क्योंकि मैं भेज बना रही हूँ इसीलिए मैं ये सब्जी मसाला दूंगी इसमें। ये है सनराइज का प्योर मसाला और इसको मैं रिफाइंड तेल से बनाऊंगी। और ये है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर, नमक और इसमें मैंने अभी इसमें रखा नहीं है, थोड़ी सी चीनी दूंगी। तो आइए मैं आपको ये रेसिपी शेयर करके दिखाती हूँ। पहले ये मटर, राजमा और ये सोयाबीन और काबली छोले को पहले उबाल लेती हूँ। 5 से 6 सीटी पड़ेगी इसको उबालने के लिए। उससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी दे दूँगी। हल्दी देने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। कर लेने के बाद इसको मैं ओवन में कढ़ाई बिठाने के बाद 1 कप तेल दे दीजिएगा। उसके बाद तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसमें तड़का के लिए थोड़ा जीरा दे दीजिएगा। तेज पत्ता दीजिएगा। ये सूखी मिर्च 1 दे दीजिएगा। थोड़ी सी गरम मसाला, कड़ी पत्ता दे दीजिए। देने के बाद कैप्सिकम दे दीजिए। उसके बाद टमाटर दे दीजिए। इसको हल्का सा फ्राई कर दीजिए। जब
उसके बाद अदरक पेस्ट, कद्दूकस की हुई अदरक दे दीजिए। अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार चिली पाउडर दीजिएगा, आप जितना तीखा खा सकती हैं उतना दीजिएगा। एक चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, देने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें चिंग्स का चिली सॉस थोड़ा दे दीजिए। और ये चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस, और एक चिली सॉस था ये ग्रीन चिली सॉस। और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं भेज बना रही हूँ इसीलिए ये सब दे रही हूँ, और इसमें टमाटर सॉस, केचप दे दीजिए। देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसमें ये दही है, ये दही को दे दीजिए। देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये एक भेज रेसिपी है, आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं, ये सबको पसंद आएगा। और इसमें सब्जी मसाला, ये बहुत एक अच्छी मसाला है, सनराइज का मसाला है ये, दे दीजिएगा। दो बड़ी चम्मच चीनी दीजिएगा, ये तीखा और मीठा दोनों रहेगा। और उसके बाद ये मटर घुगनी राजमा, इसको सब एक साथ दे दीजिएगा। उबली हुई है, अब उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी डिश है। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी, एक कप पानी, एक कप पानी इसमें दे दीजिएगा। देने के बाद इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक थोड़ा पकाइएगा। पकाइए।
देखिए गाइस, ये बन चुका है। देखिए बहुत एक अच्छी कलर आई हुई है। उतारने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला दूंगी। और घी दूंगी। और देखिए मेरी ये भेज घुगनी बनके अब तैयार है। ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है, आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं। अब मैं इसको सर्व करूंगी, थोड़ी ये ठंडी हो जाए उसके बाद मैं सर्व करूंगी। देखिए गाइस, ये राजमा, काबली छोले, मटर, अब सोयाबीन की ये करी बनके अब तैयार है, घुगनी बनके अब तैयार है। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।